और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग का क्रेडिट कार्ड इजीली अप्रूव हो जा रहा है और किसी किसी का तो कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई हो जा रहा है और अप्रूव हो जा रहा है। अगर आपको पहला क्रेडिट कार्ड लेना है, वो भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना है, देन आई विल सजेस्ट कि आपको बेस वेरियंट का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको ध्यान में रखना है, देन आपके अप्रूवल चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट के थ्रू आप डिनाई करें क्योंकि वो लोग बहुत ही फ्रॉडी करते हैं। फ्रॉडी इन द सेंस कि आपको बताएंगे ये क्रेडिट कार्ड है और अप्लाई कर देंगे महंगे एनुअल चार्जेज वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो ये एजेंट सब करते हैं। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आपको SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ऑर्डर करना चाहिए या फिर SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। देन अब आपको कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, इसके कुछ फीचर्स बेनिफिट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अमेजोन नेटमेट्स इनके जो पार्टनर्स हैं उनसे शॉपिंग करते हैं तो हर 100 रुपीज़ पर आपको 10x रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। ज्वाइनिंग फीस 500 रुपीज़ है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर भी दे दिया जाता है। एनुअल चार्जेस 500 रुपीज़ है, अगर आप एक साल में 1,00,000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं तो आपके एनुअल चार्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गए। अब आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे जो जैसे ही आपके यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स फिल कर रहे हैं और यहाँ पे SBI ने काफ़ी तेज़ी से SBI क्रेडिट कार्ड को अप्रूवल देना चालू कर दिया है। ये बात जरूर है कि 5-10 हज़ार का लिमिट दे रहा है, बहुत ही कम लिमिट दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है, जल्द से जल्द अप्रूवल भी तो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 डिटेल्स जानना है, पहले पर्सनल डिटेल, दूसरा प्रोफेशनल डिटेल्स, तीसरा करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, कॉल आएगा, वेरिफिकेशन वगैरह होगा, सारे प्रोसेस हो जाएंगे, देन आपका जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो, गारंटेड नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ आपसे टिप्स करने वाला हूँ कि अगर आप उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दें और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपकी अर्निंग क्या है, तो वहाँ पे आप जब अर्निंग डालते हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही डालते हैं, मतलब उतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, 4 लाख के और 5 लाख के अंदर ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं। जिससे हाँ ये जरूर है कि आपका जो है लिमिट कम मिलेगा अगर आप ITR फाइल करते हैं, देन अगर आप ITR फाइल 5 लाख से ज़्यादा करते हैं देन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका ITR अच्छा खासा 7 लाख है तो आप 10 लाख का फिल कर दीजिए, जिससे मतलब प्रोसेस फास्ट होता है। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग का क्रेडिट कार्ड इजीली अप्रूव हो जा रहा है और किसी किसी का तो कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई हो जा रहा है और अप्रूव हो जा रहा है और अच्छा खासा लिमिट भी मिल रहा है। तो अभी तो मैंने काफ़ी देखा, वो काफ़ी हाउस वाइफ का भी मैंने अप्लाई किया तो इजीली अप्रूव हो जा रहा है। ये जरूर है लिमिट का मिल रहा है, 5-10 हज़ार मिल रहा है, 15 हज़ार मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अप्रूव हो जाएगा आपके ट्रांजेक्शन पैटर्न को देखते हुए, धीरे धीरे प्री अप्रूव में आपको लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।